फाइनली गाइस मेरा जर्नी शुरू हो चुका है तिरुमाला के लिए, तो काफ़ी एक्साइटेड हो क्योंकि क्या कहते हैं डेढ़ साल ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल बाद मौका मिला ऊपर दर्शन करने के लिए, तो एक तो एक्साइटेड हुई ऊपर से कुछ अलग ही फील हो रहा है क्योंकि आज मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा सोलो जर्नी होने वाला है तिरुमाला के लिए और अभी हम खाली पैर चल रहे हैं, ठीक है खाली पैर चले बाहर निकलेंगे और बस मिल गया सिग्नेचर करेंगे ऑटो में बैठेंगे उसके बाद हम लोग निकल पाएंगे तिरुमाला के लिए, तो काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है। तो चलिए निकलते हैं, आप जर्नी पर आपको भी दिखाते हैं, मेरे गमछा का भी काम अलग है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल हम अभी अभी यहाँ पर आ गए, तो हमारा स्टेप यहाँ से शुरू होगा, ठीक है तो हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 2500 यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, तो ऑटो पे आए थे, तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र, हमारा जर्नी मिलते हैं स्लोली जर्नी पर। फाइनली मेरा फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट 2300। तो ये है श्री बैरू मेट्रो तिरुमाला का, तो ये मेरा दूसरी बार यहाँ पर आ गया, तो ठीक है अभी थोड़ा चेकिंग वेकिंग होगा, अब चेकिंग वेकिंग करा के हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, तो उसके बाद थोड़ा देर बात करते थोड़ी देर। लाइक यार हम ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना है पर 300-400 स्टेप्स आई थिंक, या हाँ 1000 स्टेप्स कवर कर लिया, तो नीचे देख सकते हो कितना प्यारा खतरनाक मस्त प्यारा लग रहा है। तो अभी और ऊपर चढ़ना है यार, एक तो साला बैग है, बैग के ऊपर के साथ इतना ऊपर चढ़ना पड़ा है, इट्स ऑल डिफिकल्ट। तो भाई अभी ऊपर और चढ़ना है थोड़ा बहुत, और फीलिंग लाइक वाओ एंड ऑसम। तो भाई हमको और ऊपर चढ़ना है, तो थोड़ी देर अभी ऑलमोस्ट कितना बजा, ऑलमोस्ट 4:15 हुआ है, ठीक है तो 6 बजे तक पहुंचना है कैसे भी करके, और 6 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे। फाइनली हम चलते चलते 2300 स्टेप्स पर आ गए, अब ऑलमोस्ट 100-150 स्टेप आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, ऑलमोस्ट 2300 स्टेप्स है, ठीक है तो बस 88 स्टेप्स बाकी रहा, बस 88 स्टेप बाकी रहा ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी शाम के एज वी से 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे से पहले हम पहुँचने वाले हैं, लाइक अब ज़्यादा टाइम ही लगेगा पहुँचने में, थोड़ी देर में ऊपर पहुँचेंगे, ऊपर में दिखाएंगे आपको क्या है कैसा, और फिर मन बहुत दर्शन करेंगे। तो भाई और बहनों ऑलमोस्ट हमें स्टेप सारा जितना था कवर कर लिया, 3000 तो 2500 हमने सीढ़ी का कवर कर ली, तो देख ही सकते हो बहुत नीचे था यार, बहुत नीचे से हम लोग बहुत नीचे से ऊपर आए, फाइनली अब हम ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है और इसके बाद हमारा तिरुमाला शुरू हो गया, एग्जैक्ट तिरुमाला इसके बाद ऊपर शुरू होगा, और काफ़ी सारे लोग हैं और थोड़ा सा थक गया मैं, थोड़ा सा फ्रेश होने का, और भाई यहाँ पर हवा इतना मस्त चल रहा है कि बात होती है, अब थोड़ा सा घर जैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा घर जैसा भाई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैसे थोड़ा सा ठंड वाला, थोड़ा सा कनेक्ट मिक्स है, थोड़ा सा ठंड वाला भाई, तो काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर लोगों का आस्थ गोविंदा गोविंदा, नीचे कमेंट कर दीजिए गोविंदा गोविंदा, तो चलिए और ऊपर चलते थोड़ा सा घूमते हैं और दिखाते हैं। हाँ
तो भाई अभी हम तिरुमला यहाँ बीच में आ गए, ठीक है, हमारा दर्शन कल सुबह है, यहाँ पर पूरा मेला जैसा फील हो रहा है। मुझे कितना दिनों बाद फाइनली ऐसा लग रहा है, घर एक घर जैसा भाई होता है ना, घर पे हम जब छोटे होते थे जब मेला जाते थे और बहुत सारे सामान खरीदने को मिलते थे, तो ऐसा वाला फील आ रहा है, तो काफ़ी एकदम मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, पर मज़ा बहुत आ रहा है। तो इट्स लाइक होम, देखिए दुकान सुकान देख सकते तिरुमला में कितना दुकान सुकान है और सेल भी मस्त, यहाँ पर आदमी लोग भी बहुत सारे विजिट करने आते हैं, आप भी कभी आइएगा विजिट करने, वेलकम एवरीवन टू तिरुमला। चलिए थोड़ा सा रहते हैं, खाने दोपहर का खाना भी पूरा बकवास था, तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे और दो चार दोस्त नया बनाने का ट्राई करेंगे। तो फाइनली गाइस आज मौका हमको मिल ही गया फाइनली यहाँ आने का, दर्शन तो हमारा कल सुबह है, तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर आए। यहाँ पर खाली पैर घूमने का जो मज़ा है भाई भाई भाई, भाई, भाई कहीं पर भी नहीं आएगा। तो देख सकते हो अभी चारों लोग ये जितना भी है यहाँ पर वेट कर रहे हैं, सो रहे हैं, सब दर्शन करने के लिए आए। तो ये हमारा बालाजी का मेन टेम्पल, और कितना अच्छा से सजाया है यार, आई फील लाइक यहीं पर रह जाऊँ, इतना अच्छा फील हो रहा है। और बाबा का दर्शन हमारा कल होगा, बालाजी का बाबा का दर्शन कल हमारा 10 बजे है टिकट, और 10 बजे दर्शन लिखा है, पर कितना बजे दर्शन होगा एग्जैक्ट पता नहीं। और यहाँ का जो माहौल है, आय हाय हाय, मन छू गया, मन फ्रेश हो गया। लास्ट ईयर आए थे अश्विन में और मेरे रूममेट थे, दोस्त लोग थे, तो मैं काफ़ी रो पड़ा था कि सोच रहा कभी नहीं आऊँगा यार, अकेला कैसे क्या होगा। बट जो अभी आया, जो अभी फील आ रहा है, जो अभी यहाँ मज़ा आ रहा है रात को टहलने में घूमने में, वो एकदम चारों साइड देख सकते हो, अब सब लोग दर्शन करने आए, ठीक है, तो हमारा भी दर्शन कर लें। और ऊपर मार्केट है, वहाँ पर ऊपर है ना, ऊपर इस साइड से पूरा मार्केट है, हम लाभ से पूरा घूम चुके, आपको थोड़े दिन बाद दिखाएंगे क्या है क्या है, आज रात हो जाएगा कल सुबह दिखाएंगे। और लड्डू के लिए आपको उस साइड से जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर स्विमिंग पूल पोखर है, तालाब बोलते ना, तो उस साइड है। मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, इससे थोड़ा कम ही बात करना सही रहेगा, गला भी दर्द कर रहा है और अकेले आया तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, फेस करना पड़ेगा, कर लूँगा क्या कुछ, बट इन्जॉय बहुत इन्जॉय करने को बोल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली तिरुमला आ गए, तो नीचे लिखे गोविंदा गोविंदा, और चले आप थोड़ी देर बाद चलते हैं हम रूम को, ठंड भी लग रहा है, ठीक है, जी सुन गाइस, और नीचे लिखे गोविंदा गोविंदा कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करिए नए हो तो, और पुराना तो वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। मॉर्निंग, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि दर्शन करने वाले, तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए लाइन में और टिकट दिखा के, तो आसान होने वाला आई थिंक सो। अब इसके अंदर जाना है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट कितना 7-8 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, ये जिस वे है ना रूल्स, सर्टेन रूल्स है, तो हम लोग वहाँ लास्ट वहाँ अंदर हुए, वरना हमको उधर से अंदर होना पड़ता भाई, वो तो और कितना दूर है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, कल अब आ जाते हैं, वहीं 2-3 घंटे में दर्शन हो जाए, मजे से मस्त फर्स्ट क्लास और मजे, उसके बाद तो पर्व की दुआ कर रही है, और सरप्राइज है, सरप्राइज आपको लास्ट में दूंगा मैं, ठीक है, सरप्राइज अभी नहीं मिलेगा, सरप्राइज आपको लास्ट में मिलेगा, तेरे बाद सरप्राइज दिखाऊंगा क्या है कैसा है। तो अभी फिलहाल हम लाइन के अंदर जा रहे हैं, देख सकते हो कितना लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे क्राउड है एकदम, मेरे पीछे भी देख सकते हो बहुत सारे क्राउड है यार, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, भगवान के दर्शन हो जाए जल्दी से फटाक से फटाक, उसके बाद मजे करेंगे भाई, अभी चलते हैं लाइन में लगते हैं। खुशी का दिन आ
आ गया, खुशी का टाइम है। अभी फिलहाल हमारा दर्शन हो गया तो देख सकते हो उधर, अभी जस्ट हमारा दर्शन हुआ। कुछ उधर आप लड्डू लेने जाना है, ठीक है, लड्डू लेके आएंगे। उसके बाद अभी हमने फोन भी लिया तो देख सकते हो कितना माहौल अभी एकदम अच्छा, एकदम खतरनाक है। बहुत सारे लोग है, देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़। हर वक्त, हर टाइम और कभी भी आइए आप, इतना भीड़ रहेगा 100% गारंटेड। तो काफी एकदम मजे के साथ हमारा दर्शन हो गया। सुबह 8:30 बजे लाइन पे लगे थे और अभी 8 बजे लाइन पे लगे थे, 12 बज गया तो हमारा दर्शन हो गया फाइनली। बहुत खुश है क्योंकि आज कुछ अलग ही देखने को मिला हमको। दूसरे रास्ते से था, पता नहीं क्या नाम था भैया, नीचे आपको कमेंट लिखे। और भाई मतलब एक अलग टाइप का भाई था, मेरा पहली बार था तो मेरे को बहुत अच्छा मस्त मजा आया। तो अब ऐसे ही प्रे करता हूँ एक बार, एक दो बार और मौका मिल जाए घर जाने से पहले। चलिए नीचे चलते हैं। तो अभी मैं नीचे आया, ठीक है, हम इससे पहले वहाँ पर ऊपर थे तो अभी हम नीचे आए। तो नीचे देख सकते हो कितना भीड़ है दर्शन करने के लिए। इस साइड से आते हैं ऐसे करके अंदर जाते हैं, अंदर जाकर दर्शन करते हैं भगवान का और उसके बाद इस साइड से निकलते हैं हम लोग। तो मैं देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ था और भीड़ है अभी भी, भीड़ कितना ज़्यादा है आप देख सकते हो। तो हमारा दर्शन तो हो गया और हम अभी यहीं पर आए हैं तो अभी आपको दिखा रहे क्या है कैसा है। तो लड्डू लेने के लिए उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ पर बोर्ड कलर बोर्ड देख रहे हो आप, तो वहाँ से लड्डू लेने के लिए हम जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इधर वेट कर रहा हूँ, मैं लड्डू लेके चला रहा हूँ, आप काम तक पहुँचना है। और नीचे गोविंदा का एक बार कमेंट लिख दीजिए और भगवान का सब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो मुझे इतना प्यार करते हैं सबको सही सलामत खुश रखे एकदम, बस यही प्रार्थना है उनसे। गोविंदा गोविंदा। तो चलिए मिलते हैं लेटर। अभी हम आ गए हैं नारायणी पर्वत। यहाँ पर ये मान्यता है कि जब भगवान पहली बार धरती पर आए थे तो सबसे पहले अपने चरण यहीं पर रखे थे, तो इसका नाम है श्रीवरी पद्दली। तो हम लोग भगवान जी का पैरों का दर्शन करने के बाद निकल पड़े फिर दूसरे लोकेशन पे और अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन। तो भाई हॉस्टल जाने से पहले मैं यहाँ पर आ गया और इस टेम्पल का नाम है क्या नाम था, श्री गंगा देवी अमृत। तो हम लोग अभी यहाँ पर है तो देख सकते कितना मौसम सही है अभी रात के टाइम, तो हम लोग अभी दर्शन भी कर ले रिटर्न हो रहे, तो चले मिलते हैं। बहुत ज्यादा घूमना है और हॉस्टल भी जाना है। बाय गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ गया घर रूम अपने हॉस्टल। रात को यार बहुत थक गया था, एकदम दिमाग खराब हो गया था भाई, दिन भर दो दिन से ऑलमोस्ट ट्रैवल 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 चलते फिरते इधर उधर करते, पैर वैर भी इतना दिए, हाथ भी इतना दर्द कर रहा था, बात ही मत करें। तो अभी फिलहाल ठीक हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके लिखिएगा, कौन सा पार्ट स्पेशल अच्छा लगा वो भी बताना प्लीज, मुझे जानने के लिए बहुत एकदम इच्छा है। और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हो सके तो अपने ग्रुपों में भी शेयर करिएगा आप, क्योंकि पता है ना थोड़ा से बांटने से बढ़ता है प्यार, और अपने भाई को ऐसे प्यार करते रहिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नीचे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना, गोविंदा गोविंदा जैसे कि आपको बताया था, क्योंकि भगवान करे आप सबको वो रख एकदम क्या कहते हैं यार इरफान में भूल गया, हाँ भगवान आप सबको रक्षा करें और बहुत सारा प्यार दे और हैप्पी 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 न्यू ईयर गाइज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून गाइज, टेक केयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।